साहित्य के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में बेल वाले आइकॉन को दबाकर हमारे हर वीडियो की जानकारी, अपडेट्स आप लेते रहें। अगले कवि के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं राहुल शर्मा को। जिंदाबादी में क्या कोई
हमने कभी पहल नहीं की कि हम किसी कमजोर देश या किसी पड़ोसी देश पर पहले आक्रमण करें। सुनिए कि शांति दूत बनने का साहस हमने बारंबार किया, शांति दूत बनने का साहस हमने बारंबार किया, और जो भी आया जैसे आया हमने सब स्वीकार किया। शांति दूत बनने का साहस हमने बारंबार किया, जो भी आया जैसे आया हमने सब स्वीकार किया। और कितने अत्याचार सहे इस धरती की आजादी में, कितने अत्याचार सहे इस धरती की आजादी में, वो सारा जोर लगा देते हैं भारत की बर्बादी में। और नहीं अब डर डर के हमको यूं ही मरना होगा, अब और नहीं डर डर के हमको यूं ही मरना होगा। एक एक पापी का अब संहार हमें करना होगा, एक एक पापी का संहार हमें करना होगा। और इसकी अंतिम पंक्तियां जो मैंने महाभारत से ही उठाई हैं, आप सभी लोगों ने महाभारत सुनी होगी, महाभारत पढ़ी होगी, महाभारत देखी होगी। शिशुपाल श्री कृष्ण, शिशुपाल आप सभी को बहुत ही उद्दंड और अनुशासनहीन थे शिशुपाल, तो उनकी माता को पता था कि श्री कृष्ण जो है इनका वध करेंगे, ऐसा ऐसी आकाशवाणी उनको हुई। तो उन्होंने श्री कृष्ण से वो वचन लिया, श्री कृष्ण ने उनको वो वचन दिया कि मैं शिशुपाल के 100 अपराधों को, मृत्युदंड जैसे अपराधों को, 100 अपराधों को मैं माफ करूंगा, लेकिन उसके पश्चात मैं उनको माफ नहीं करूंगा। तो वहां से सुनिए कि शिशुपाल की गाली को भी श्री कृष्ण ने माफ किया, शिशुपाल की गाली को भी श्री कृष्ण ने माफ किया, लेकिन जब मर्यादा तोड़ी मुंड भी धड़ से साफ किया। शिशुपाल की गाली को भी श्री कृष्ण ने माफ किया, लेकिन जब मर्यादा तोड़ी मुंड भी धड़ से साफ किया। अरे उठा सुदर्शन बनो कृष्ण, उठा सुदर्शन बनो कृष्ण या रामायण के राम बनो, उठा सुदर्शन बनो कृष्ण या रामायण के राम बनो। अरे नाश करो हर अहंकार का, देश के तुम अभिमान बनो, नाश करो हर अहंकार का, देश के तुम अभिमान बनो। और महाभारत की सीख यही है और गीता का सार यही, महाभारत की सीख यही है और गीता का सार यही कि राष्ट्र युद्ध में कायर बनना अब हमको सीखना।